अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाई और दोस्तों, आज हम आपको भेड़ के दूध से सल्फ्रिक एसिड को ठंडा करने का अमल दिखाएंगे। तो ये है भेड़ का दूध, जिसको हमने इस बोतल में बंद करके रख दिए थे। ये देखिए, इसका पानी निकल आया है नीचे। अब हम इस पानी को लेकर इसका वजन करेंगे और इसके बाद हम सल्फ्रिक एसिड को इससे ठंडा करेंगे और ये हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सुना है कि इसके ठंडा होने के बाद इसमें पारा जो है तो तेजाबी लर्जा कायम नार होता है, तो ये प्रैक्टिकल हम आपको दिखाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो ये देखिए, भेड़ का दूध है जो आगे हम अभी इसे फिल्टर करेंगे। भाइयों, ये देखो, हमने अब भेड़ के इस दूध को इस छन्नी के ज़रिए इसमें निकाल रहे हैं इसका पानी। ये देखिए कितना गाढ़ा है, ये इस तरह से इतना गाढ़ा है। ये देखिए, ये पानी हमको लेना है। इसका जो बाकी में जो निकलेगा इसे साइड में रख दे, हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए। ये इसके पानी से सल्फ्रिक एसिड को ठंडा किया जाएगा। जितना ये पानी का वजन होगा उतना ही हम सल्फ्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस पानी का वजन करेंगे ताकि हमें सल्फ्रिक एसिड लेने में दिक्कत ना हो। इस तरह से इन कांच के बीकर और कांच के बोतल का इस्तेमाल करें ताकि आपको काम करने में आसानी हो। तो अभी ये बोतल में पूरी तरह से चला गया। तो दोस्तों, इसका वज़न 148.29 आया। तो खैर, ये 150 ग्राम के 2 ग्राम कम है, 1.5 ग्राम। दोस्तों, अब हम आपको सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं ताकि हम आगे के काम को पूरा कर सके। तो हम सल्फ्यूरिक एसिड 140 ग्राम ले चुके हैं। दोस्तों और मेरे भाइयों, आप देखो, हम इसमें इस सल्फ्यूरिक एसिड में हम ये थोड़ा थोड़ा करके भेड़ का दूध जिसे फोड़े थे हमने वो डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रहे हैं ताकि कोई रिएक्शन ना हो। तो दोस्तों, ये देखिए, ये खून की तरह लाल हो रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल खून की तरह लाल हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये फौरन ही रेड हो चुका है। ये वाकई में ही अक्सीरी है। ये बात सच साबित हो गई कि ये फौरन ही रेड होता है। ये देखिए दोस्तों,
दोस्तों, दूसरी बार हम फिर से एक ढक्कन डाल रहे हैं। ये डालने से रिएक्शन तो अंदर हो रहा है और बीकर भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। थोड़ा थोड़ा इसलिए डालना है ताकि कोई नुकसान ना हो और काम जो है सही होता है। कभी भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिलानी चाहिए। तो ये देखो दोस्तों, ये बीकर बहुत गर्म हो गया और ये देखिए तेज़ाब कैसे खून की तरह रेड हो चुका है। तो ये बात दुरुस्त हो चुकी उस्तादों की कि ये वाकई में ही तेज़ाब को भेड़ का दूध ठंडा करता है। आगे हम आपको इसमें पारा पकाकर दिखाएंगे ताकि आप भाइयों को काम करने में आसानी हो। ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए इसमें भेड़ का दूध बहुत थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए और रिएक्शन थोड़ा ख़त्म होने के बाद डाले, नहीं तो अंदेशा है बीकर कहीं फूट ना जाए। ये दोस्तों दोस्तों ये देखो, गंधक का तेजाब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। ये देखो, फिर भी उसूलन ये जो रह वाला है इसमें मैं डाल रहा हूँ। ये देखो, इसमें हम पारा पकाएंगे। ये पारा तेजाबी लर्जा कायमुन नार होगा। ये भी हम पारा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जी दोस्तों, कैसे हो? ये आखिरी अमल है। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, रहा सा जो भी था इसमें डाल दिए। इसमें आप कोई रिएक्शन नहीं है, ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। फिर भी हम इसे 48 घंटे का स्टे देंगे ताकि ये मुकम्मल ठंडा हो जाए और इसके बाद इसमें हम आगे आपको पारा पकाकर उसकी भी वीडियो बताएंगे ताकि आप भाइयों को काम करने में और समझने में आसानी हो। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हमने आप भाइयों के लिए करके दिखाए। तो ये बग़ैर उस्ताद के ये काम ना करे, बच्चों के लिए ये अमल नहीं है। अपने उस्ताद के निगरानी में काम करे, कोई भी काम करे एक्सपेरिमेंट का। तो हम ये यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे इस तजुर्बे को। तो इसे आगे हम 48 घंटे के लिए स्टे दे देंगे, उसके बाद इसमें हम आगे की कार्रवाई भी पारे को पकाकर दिखाएंगे, पकता या नहीं पकता, बनता या नहीं बनता। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों।